तो और मेरे भाइयों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे। तो इस वाली वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं TPP वर्सेस FPP के बारे में। अगर आप लोग रैंक पुश करने वाले हो और आप कंफ्यूज हो आपको किस में करना चाहिए, TPP या फिर FPP, तो वो डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ किस में आपको आसानी होगी, किस में आपको जल्दी मिलेगा, किस में कितने पॉइंट करने पर मिलेगा, और आपको मैं रैंकिंग भी बताऊंगा किस में कितनी जाती है। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई लोग, आपको TPP या फिर FPP किस में करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्करर से मतलब है, आपको वो कॉन्करर का टाइटल चाहिए, फ्रेम चाहिए, तो आप उसी में करो जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं अच्छे से कर पाऊंगा या फिर मेरे से हो पाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बंदे इसीलिए FPP पे पुश करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि FPP पे आसानी से हमारा कॉन्करर हो जाएगा। वहाँ पर वो पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स होते हैं एस तक, तो उन्हें लगता है कि भाई एस करने पर उन्हें कॉन्करर मिल जाएगा और आसानी से उन्हें कॉन्करर मिल जाएगा, इसलिए वो FPP पर आते हैं। तो भाई अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप 50% सही हो और 50% गलत हो। 50% गलत क्यों हो? क्योंकि भाई FPP पर आपको आसानी से कॉन्करर नहीं मिलता, प्लस बहुत कम होता है, लॉबी हार्ड आती है, हैकर भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो भाई एस पहुंचना वहां पर काफ़ी टफ रहता है। और 50% आप सही इसलिए हो क्योंकि एस अगर आप लोग करोगे तो वहीं पर आपको कॉन्करर मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टार 1-2 लगाने पड़ेंगे और आपका कॉन्करर हो जाएगा। इसके बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो बंदे TPP खेलते हैं तो उन्हें पता रहता है कि सामने बंदा है, कहाँ से आ रहा है, तो उन्हें ये भी पता रहता है कि कब हमें बाहर निकलकर बंदे को मारना है। अगर आप लोग प्रोन हो तो भी आपको 360 व्यू मिलता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आपको 360 व्यू मिलता है। और अगर मैं बात करूँ FPP की, तो वहाँ पर अगर आप लोग प्रोन करोगे और होल्ड करोगे तो आपको सामने दीवार दिखती है या फिर ज़मीन दिखता है, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और जिनको आदत है TPP खेलने की, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी जब आप FPP पे स्विच करोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओगे रैंक पुश करने, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जो बंदे FPP पे पुश करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको स्क्वाड FPP पे पुश करना चाहिए, क्योंकि सोलो और डुओ FPP पे क्या होता है कि आपको मैचिंग की दिक्कत रहती है, मैच लगने में आपको काफ़ी वेट करना होता है। तो अगर आप लोग ये प्रॉब्लम सह सकते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैचिंग की प्रॉब्लम आती है, ये बताना आपको ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, किस में कितने पॉइंट करने पर आपको कॉन्करर मिलता है, सोलो डुओ स्क्वाड तीनों की बात करेंगे, TPP FPP दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं FPP से। अगर आप लोग FPP सोलो या फिर डुओ करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आप अगर एस करोगे तो वहीं पर आपको कॉन्करर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या फिर 2 स्टार लगाने पड़ेंगे और आपका कॉन्करर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्क्वाड FPP की, तो वहाँ पर 5000 तक रैंकिंग जाती है, तो वहाँ पर आपको कॉन्करर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग से पुश करोगे तो आप एस पर ही ले लोगे। बात करते हैं TPP सोलो की, तो यहाँ पर 5000 तक रैंकिंग चले जाती है, तो वहाँ पर आपको कॉन्करर मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग से पुश करोगे तो आप 1 हफ्ते में ले लोगे भाई। तो बात करते हैं डुओ TPP की, तो वहाँ पर आपकी जो रैंकिंग जाती है वो जाती है 5000-5500, तो वहाँ पर आपको कॉन्करर मिलता है, लेकिन अगर आप लोग स्टार्टिंग से पुश करोगे तो आप 10-15 दिन में कॉन्करर ले लोगे। बात करते हैं TPP स्क्वाड की, जो मेरा फेवरेट है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड आपको पड़ता है कॉन्करर लेना, तो वहाँ पर जो आपकी रैंकिंग जाती है वहाँ पर जाती है भाई 6000-7000, इससे ऊपर तो समझ जाओ भाई कितना ज़्यादा आपको खेलना पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको कॉन्करर मिलता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पुश करोगे पहले दिन से, तो आप 2-4 दिन में कॉन्करर ले सकते हो एस पर ही, ठीक है? ये एक तरीका है। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खेलना होता है स्क्वाड TPP पर। इसके अलावा तो बस आपको वैसे ही पुश करना होता है जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो बस जो एक बड़ा फ़र्क रहता है वो रहता है रैंकिंग का, जो कि आपको मैंने बता दिया किस में कितना रहता है, किस में कितने पॉइंट करने होते हैं,
उसके अलावा बस आपको वैसे ही पुश करना पड़ेगा जैसे आप करते हो, तो बस यही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं फिर भी तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और सोलो डुओ स्क्वाड तीनों की कॉन्करर टिप्स वाली वीडियो मैं डालने वाला हूँ चैनल पे, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना। तो बाकी इस वाली वीडियो पे इतना ही था, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। तो मिलते हैं भाई लोग ऐसी ही एक और वीडियो पे।